दोस्तों यूं तो किसी भी राज्य या देश के हर कोने से आखिरी गांव या स्थान होना स्वाभाविक बात है, लेकिन फिर भी कुछ स्थान अपनी विशेषता के कारण दूसरे से काफी भिन्न और महत्वपूर्ण होते हैं। तो साथियों, आज हम आपको हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के आखिरी गांव यानी आमामोरा के बारे में बताने वाले हैं। आमामोरा कोई आम गांव नहीं है, यह वही गांव है जहां आज भी चुनाव ड्यूटी के समय चुनाव अधिकारियों को गांव तक पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा की जाती है। यहां आज भी बिजली सुविधा नहीं पहुंची है, सोलर पैनल की सहायता से लोगों का जीवन चल रहा है। पक्की सड़क तो कोसों दूर भी नहीं मिलेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस गांव में तो असुविधाओं का भंडार है, फिर भी हम आपको क्या खासियत है जिसे आपको बताना चाहते हैं। तो साथियों, वह खासियत है इस गांव की सुंदरता और मंत्रमुग्ध कर देने वाली हवाएं। मित्रों, आमामोरा गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक में स्थित है। गरियाबंद जिला के अंतर्गत 5 तहसील राजीम, गरियाबंद, छुरा, देवभोग, मैनपुर, 5 विकास खंड तथा 336 ग्राम पंचायत आते हैं। दोस्तों, आमामोरा गांव जिला मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 78 किलोमीटर और ब्लॉक से 35 किलोमीटर के आसपास है। धवलपुर नामक स्थान से इस गांव के लिए जाया जा सकता है। मुख्य मार्ग को छोड़ने के बाद जंगलों की ओर कुछ गांव को पार करने के बाद पक्की सड़क भी साथ छोड़ देती है। इसके बाद आपको जंगलों के पगडंडियों के सहारे आगे बढ़ना है। दोस्तों, आमामोरा पहुंचने के लिए आपको कई पहाड़ों, नदी और नालों को पार करना होगा। आमामोरा 1000 मीटर की ऊंचाई में स्थित है। दोस्तों, आमामोरा को छत्तीसगढ़ के ऊंचे स्थान में बसने वाला गांव भी कहना गलत नहीं होगा। रास्ते में आपको कई ऐसी निशानियां दिखाई पड़ जाएगी जिसे देखकर आपको लगेगा कि अब यहां से आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन आपको आमामोरा की सुंदरता अपनी ओर खींच लेगी। मित्रों, इस गांव को ऊपर क्षेत्र या ऊपर स्थान भी कहा जाता है। इस गांव से सिकासर बांध का डुबान क्षेत्र आसानी से दिखाई देता है। गांव पहुंचने के बाद आप लोग कुछ देर तक मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आज तक आप लोगों ने जिस तरह के गांव देखे थे उनसे यह गांव पूरी तरह अलग है। यहाँ जरा सा भी शहरीपन का छाया नहीं है। लोग आज भी यहाँ कम साधनों के साथ शांतिमय जीवन जी रहे हैं। अगर आपको इस गांव की खासियत नजर आ गई होगी तो निश्चित रूप से प्रकृति प्रेम और शांति प्रिय इंसान है। लेकिन अभी तो इस गांव की मुख्य खूबसूरती देखना बाकी है, और वह है यहाँ की खूबसूरत और विशालकाय जलप्रपात। वो भी एक या दो नहीं बल्कि 4 बड़े जलप्रपात के अलावा कई छोटे जलप्रपात यहाँ पर स्थित है। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था कि इस गांव को ऊपर क्षेत्र या ऊपर स्थान भी कहा जाता है। अब बात करें बनियादस जलप्रपात की, तो एक बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात है। यह एक छुपा हुआ जलप्रपात है जो अभी तक आम लोगों से दूर है। आमामोरा गांव से कुछ किलोमीटर पहले ओर नामक एक गांव है जिसमें यह जलप्रपात बनता है। इस जलप्रपात तक पहुंचने के लिए कुछ किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। देवदाहरा जलप्रपात दोस्तों मुख्यालय मैनपुर से 25 किलोमीटर व जिला मुख्यालय गरियाबंद जिला से 85 किलोमीटर दूर प्रकृति की अनुपम छटा बिखेर रही प्राकृतिक जलधारा देवदाहरा जलप्रपात आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेती है, जो सदा के लिए पर्यटकों के दिलों और दिमाग में अपनी अनुपम छाप छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बारिश के इन दिनों में देवदाहरा का मनोरम दृश्य देखने लायक रहता है। मित्रों, पहाड़ों व खाड़ियों के बीचों बीच प्रकृति रूप से उपजे या देवदाहरा जलप्रपात मैनपुर ब्लॉक के प्राकृतिक धरोहरों में से एक है। प्राकृतिक सौंदर्य युक्त देवदाहरा जलाशय एक मनोहारी पर्यटक स्थल बन सकता है। अगर शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि ध्यान दे तो शासन को राजस्व आय की प्राप्ति होगी। वन भैंसों के लिए विख्यात यह जलप्रपात उदंती अभ्यारण क्षेत्र के बीहड़ जंगलों में स्थित है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत वादियों से घिरा छत्तीसगढ़ का आखिरी गांव। दोस्तों, कमेंट में हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक
तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।